सुप्रभातम बच्चों, आज हम करेंगे द्वादश पाठ जिसका नाम है देवव्रत। देवव्रत कौन थे? ये प्राचीन काल में हस्तिनापुर में शांतनु नामक राजा का पुत्र था। ठीक है, ये जो है ये पाठ आपको पिता की प्रसन्नता हेतु स्वयं जो पिता की खुशी के लिए स्वयं के सुखों का त्याग कर देता है पुत्र, और इस तथ्य का प्रतिपादन महाभारत के एक प्रसंग के माध्यम से किया गया है। ठीक है बच्चों, तो आइए शुरू करते हैं। इसमें पुरा हस्तिनापुरे शांतनु नाम एक नृप अभवत। इसमें प्राचीन काल में पुरा का अर्थ होता है प्राचीन काल में हस्तिनापुर में शांतनु नामक एक राजा था। ठीक है, तस्य भार्या गंगाया पुत्र देवव्रत पराक्रमी शूर प्रीतभक्त च आसीत। ठीक है, इसमें है उनकी पत्नी, भार्या का अर्थ होता है पत्नी। ठीक है, उनकी पत्नी गंगा का पुत्र देवव्रत पराक्रमी वीर और पितृभक्त था। ठीक है, एकदा सायंकाले नृप शांतनु यमुना तटम आगछत। ठीक है, एक शाम राजा शांतनु गंगा तट गए। ठीक है, तत्र तत्र का अर्थ होता है वहाँ। सह धीवरस्य कन्याम दृष्ट्वा सत्वारम मोहितः अभवत। ठीक है, इसमें है एक वहाँ वे एक धीवर की कन्या को देखकर मोहित हो गए। ठीक है, उसके बाद अनंतरम स तदम धीवरम पुरतः तया सह विवाह प्रार्थयत। इसके बाद उन्होंने धीवर के सामने उसके साथ विवाह की प्रार्थना की। किसके साथ विवाह की प्रार्थना की थी? जो धीवर की कन्या थी। ठीक है, उसके बाद इसमें लिखा हुआ है भवतः कन्याया सह विवाहम इच्छामि। उसने अपने विवाह जो कहा है मैं आपकी कन्या के साथ विवाह करना चाहता हूँ। उसने अपनी इच्छा प्रकट की। ठीक है, यदि भवान स्वराज्यम सत्यवत्या पुत्राया तदसी तरही तया, तरही का अर्थ होता है तो, तया सह विवाह भविष्यतु खलु। ठीक है, उसके बाद है धीवर ने कहा यदि तुम अपना राज्य सत्यवती के पुत्र को दोगे तभी उसके साथ विवाह होगा। ठीक है, तृष्णी भूत्वा शांतनु गृहम आगतः। उसके बाद है तभी शांतनु चुप होकर घर आ गए। ठीक है, उसके बाद है सिंहासनस्य उत्तराधिकारो तु देवव्रतः एव भविष्यति तदा तया सह विवाह न भविष्यति। ठीक है, उन्होंने विचार किया सिंहासन का उत्तराधिकारी तो देवव्रत ही होगा, तब उसके साथ विवाह नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद है अहिनिशम चिंता मग्नम शांतनु। अहिनिशम का अर्थ होता है दिन रात। ठीक है, चिंता मग्न मतलब वह चिंतित रहने लगा। उसके बाद दृष्टवा देवव्रत अपि अचिन्यतः, तो इसका अर्थ है शांतनु को दिन रात चिंता मग्न देखकर देवव्रत भी चिंतित हुआ। ठीक है, उसके बाद है देखिए सद एव सर्व ज्ञात्वा देवव्रत धीवरम प्रति गतवान। ठीक है, इसमें है तभी पिता की चिंता का क्या कारण है? शीघ्र ही वह सब कुछ जानकर धीवर के समीप गया। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे समीप गया महोदय मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि, जो उसके पास गया तो उन्होंने वचन दिया
कि महोदय मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि कभी भी राज्य नहीं लूँगा, आजीवन ब्रह्मचार्य का पालन करूँगा। नूनम देवव्रतः विवाहम न करिष्यति अथ सत्यवतीम शांतनवे समर्पयामि। इसका है देवव्रत विवाह नहीं करेगा अतः मैं सत्यवती को शांतनु को समर्पित करता हूँ। ठीक है। इत्यम वचनम श्रुत्वा शांतनु हर्षिता अभवत। इसके बाद है कि धीवर ने कहा यह सुनकर शांतनु हर्षित हुए। उसके बाद पुत्रेण प्रीडति सह तस्में वरम अयच्छतम। ठीक है। इसमें है पुत्र से प्रसन्न हुए उन्होंने उसे वर दिया। पुत्र की यह बात सुनकर उन्हें यह व्रत दिया, मतलब यह वर दिया, उनको वरदान दिया कि पुत्र निश्चय मृत्यु तव वशे भविष्यति। पुत्र निश्चित ही मृत्यु तुम्हारे वश में होगी। ठीक है। इसके बाद है यावत मम जीवनम तावत अहम राज्य सिंहासनस्य रक्षणम करिष्यामि। तत्पश्चात देवव्रत ने कहा जब तक मेरा जीवन है तब तक मैं राज सिंहासन की रक्षा करूँगा। अस्मात् भीष्म प्रतिज्ञा कारणात् ततः प्रभृति तस्य अभिधानम एवं भीष्म अभवत्। सह प्रीतभक्तः अधुना पर्यन्तम् जीवतम् अस्ति। इसका अर्थ है कि इस भीष्म प्रतिज्ञा के कारण ही उसका नाम भीष्म हो गया। वह पितृभक्त आज तक जीवित है। ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा कि एक पिता की इच्छा के लिए बेटा अपने जो राज्य पाठ था उसका त्याग कर देता है। ठीक है बच्चों, इस ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा।